अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई की सेटिंग्स के अबाउट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मजीद देखते हैं शॉपिफाई सेटिंग्स के अबाउट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन नजर आता है शॉपिफाई सेटिंग्स का, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो और काफ़ी सारी जो है सेटिंग्स हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। सबसे पहले स्टोर की डिटेल्स है, आप कोई भी डिटेल यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं सिंपल एडिट करना है और वहाँ से चेंज कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह चेंज करना है, एडिट करना है, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो चेंज करनी है, करेंसी चेंज करनी है, वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्टोर डिटेल के अंदर। आपका कौन सा करंट प्लान है, आप प्लान को अपग्रेड किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको बिलिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। बिलिंग बेसिकली आप यहाँ पे अपने पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं जिससे आप शॉपिफाई स्टोर का आप प्लान बाय करेंगे, या और पेमेंट्स किसी ऐप की पेमेंट करनी है वो सारी पेमेंट्स आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे। यूज़र्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के ऐप पर, लेट्स सपोज आपने एक असिस्टेंट हायर किया है इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप और उसको डिफरेंट परमिशन दे सकते हैं अपने स्टोर के रेलेवेंट के, वो ये चीज़ें चेंज कर सकता है, ये वाली चीज़ें चेंज नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें। उसके अबाउट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप यहां से डिफरेंट पेमेंट्स प्रोवाइडर्स का सेटअप कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर आपको कर रहा है तो वो कहां पे रिसीव होगी आपको पेमेंट, वो सारी ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाएंगे इस पेमेंट के ऑप्शन के अंदर। आगे चल के मजीद इसको डिटेल में भी देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास चेकआउट का ऑप्शन है। यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि चेकआउट के वक्त यूज़र या बायर को क्या क्या ऑप्शन नज़र आए, उसको ईमेल जाए ना जाए, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चेकआउट के। उसके अलावा डिलीवरी के ऑप्शंस हैं कि आप किस किस तरह के डिलीवरी करते हैं। लेट्स सपोज अगर कस्टमर आपका स्टोर पाकिस्तान बेस्ड है और कस्टमर ने ऑर्डर यूएसए से किया तो डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे, और अगर लेट्स सपोज आप विद इन कंट्री कर रहे हैं शिपिंग तो आपके शिपिंग चार्जेस क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकेंगे जो कि यूज़र को नज़र आएगा जो कि ऑर्डर कर रहा होगा, राइट। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट तरह की। और अगला ऑप्शन है हमारे पास लोकेशंस, अगर हमारे स्टोर की एक से ज़्यादा लोकेशंस हैं तो वो सारी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं ताकि उन सारे स्टोर्स का हम एक्सेस कर सकें और उनको देख सकें, उनकी प्रोग्रेस और सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स, आप यहाँ पर गिफ्ट कार्ड्स की सेटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गिफ्ट कार्ड एक्सपायर होगा नहीं होगा, कब होगा, गिफ्ट कार्ड किस तरह से क्रिएट करते हैं, लास्ट लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मार्केटर्स के अबाउट ये ऑप्शंस हैं, जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपकी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान है या वर्ल्ड वाइड है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इंटरनेशनल है, तो यहाँ से आप डिफरेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी मार्केट की। मार्केट का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल में आप कहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, अपने प्राइमरी लोकेशन क्या है आपकी। उसके बाद ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने कौन सी ऐप्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड की हुई हैं, नहीं की हुई, बिल्ड कस्टम ऐप्स फॉर योर यूनिक नीड्स, यहाँ पे या डेवलपर्स के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अलावा आप कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ हमारी जो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमारे स्टोर का यूआरएल वो कुछ इस तरह से है, अगर हमें कुछ इस तरह का डोमेन ऐड करना है जैसे ehsandansh.com.net समथिंग लाइक दैट, तो वो कस्टम डोमेन के अंदर आ जाएगा और वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। बाय भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर कहीं और से बाय किया आपने और यहाँ पे अटैच करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रांड का, यहाँ पे आप अपने स्टोर के लोगोज़ वगैरह लगा सकते हैं जो कि आपको सर्च इंजन के अंदर हेल्प करेंगे, और आपका जो भी प्राइमरी कलर्स हैं, कवर इमेजेस हैं, स्लोगन हैं, सारी चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ के नोटिफिकेशंस आपको आएँ और किस तरह से नोटिफिकेशंस हैं और कस्टमर्स को कौन कौन से नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शन नया है मेटा फील्ड्स का, बेसिकली आप कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर या जहाँ पे भी आप चाहें, इनको भी हम डिटेल के अंदर आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइल्स, आप यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स अटैच कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं जिनको बाद के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लैंग्वेजेस, आप शॉपिफाई स्टोर की प्राइमरी लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, डिफ़ॉल्ट है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इस लैंग्वेज पे, जो भी आप लैंग्वेज चाहें, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज चाहें, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसीज, डिस्क्लेमर, टर्म ऑफ यूज, रिटर्न पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज आपको अक्सर नजर आती होंगी डिफरेंट स्टोर्स में जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिफंड पॉलिसी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, टर्म्स एंड सर्विसेज यहाँ पे, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर इनको आप फ्रंट एंड के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर शो करवा सकते हैं।
तो ये थी ऑप्शंस, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटअप गाइड। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक से गाइड नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, और उनको देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि Shopify के अंदर जो भी सेटिंग्स के ऑप्शन हैं उनके अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। आगे चल के जिस जिस ऑप्शन की हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी उसको हम यूज़ करते जाएंगे और आपको मैं दिखाता जाऊँगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।